ओम शांति। मेरे शरीर का नाम कृष्णा मिगलानी है। मैं ज्ञान में रिटायरमेंट में के बाद आई हूँ और मैं बैंकिंग सेक्टर में आफ्टर 38 ईयर ऑफ सर्विस एज डिप्टी मैनेजर रिटायर हुई हूँ। रिटायरमेंट से पहले कुछ तर्क वितर्क की बुद्धि थी, कुछ बैंकिंग में काम की इतनी व्यस्तता थी कि कुछ भक्ति भाव नहीं था, पर इतना विश्वास जरूर था कि कोई परमात्मा की शक्ति है जो इस यूनिवर्स को चला रही है। ये मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है। पुण्य कर्म करने से आपका अगला जीवन जो है वो सार्थक होता है, कुछ ऐसी मान्यताएं थी। परंतु जैसे रिटायर हुई सोचा कुछ करना है। पीस ऑफ माइंड चैनल पहले मैं सुनती थी, उसमें शिवानी दीदी का मिस्टर सुरेश ओबेरॉय के साथ जो एपिसोड्स आते हैं उनको बहुत रेगुलर सुनती थी। तो रिटायरमेंट के बाद समय मिला तो सोचा कि चल के दीदी से मिलना है, माउंट आबू जाते हैं, तो उसके लिए पहले ये ब्रह्मा कुमारी सेंटर 407 आदर्श नगर में जालंधर में जाके कांटेक्ट करते हैं। तो इन्होंने बताया कि आप ऐसे माउंट आबू नहीं जा सकते, अगर आपको जाना है तो यहाँ पर 7 डेज कोर्स करना होगा, धारणाएँ करनी होगी, उसके बाद ही आप माउंट आबू जा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 7 डेज कोर्स किया, मैं और मेरे युगल ने। उसके बाद हम बाबा के आज्ञाकारी बच्चे बन गए, नित्य मुरली सुनने लगे। ज्ञान जैसे ही कोर्स किया ज्ञान बिल्कुल अलग लगा, कुछ शोरगुल नहीं भक्ति का, शांति, अलग सी शांति। जैसे ही क्लास में आते शांति की बहुत अनुभूति होने लगी और आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, जो आगे कुछ पता नहीं था, अपने आप को शरीर समझते थे, पता चला कि हम तो आत्मा हैं। सुना था कई बातें पर उनकी समझ नहीं थी, जो बातें सुनी थी उनकी अब समझ मिली कि हम आत्मा हैं और परमात्मा ने भी जो अपना परिचय दिया कि मैं कौन हूँ, मेरा रूप कैसा है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, उस तरीके से विजुलाइज करके बाबा से हम मिलन मिलाने लगे। बाबा की ज्ञान सुनने के बाद जो मुझे अनुभव हुआ वो ये कि मेरा जीवन में बड़ी मुझे शांति की अनुभूति होने लगी, जो छोटी छोटी बातों के लिए किसी के सुनने से मन में गांठें बन जाती थी, मन में कष्ट होता था, वो ये समझ मिली कि ये सब अपने हिसाब किताब हैं, किसी से कोई गिला शिकवा नहीं। जैसे कि बाबा कहते हैं कि कोई गाली भी दे तो भी उसको शुभ भावना शुभ कामना दो। इतनी परफेक्शन पर तो नहीं पहुँचे परंतु इतनी समझ जरूर मिल गई कि अब उतना कष्ट नहीं होता, उतना दुख नहीं होता, अपना उसको अपना हिसाब किताब मानते हैं। ज्ञान में आने के बाद परिस्थितियाँ आई हैं, कई परिस्थितियाँ आई हैं, पर जो ड्रामा की नॉलेज बाबा ने दी है कि ये बच्चे नथिंग न्यू, कुछ भी नया नहीं है, इसमें मूझना नहीं है, इससे परिस्थितियों को सहन करने की, सामना करने की वो शक्ति भी बाबा ने दी है। इसके अलावा बाबा अब क्या हमारा तो साथी बन गया है। कोई भी काम करते हैं पहले बाबा से पूछते हैं, बाबा ये काम शुरू करना है, बाबा से राय लेते हैं। बाबा तो हमारा दिलाराम बाबा बन गया है। कोई भी मन की बात करनी होती है ना, जैसे किसी संबंधी से नहीं कर सकते, बाबा से करते हैं। भक्ति मार्ग में क्या था, एक जगह बैठो योग करो, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर चलते फिरते काम करते खाना बनाते किसी समय बाबा से याद कर सकते हैं। बाबा से बहुत मीठे मीठे अनुभव हैं
हर वक्त अंदर ही अंदर बाबा का नाम चलता रहता है, बाबा की याद रहती है, हर वक्त शुक्रिया मन से निकलता है, बाबा शुक्रिया तूने अपना बनाया, बड़े ठीक रास्ते पर लगाया। मैं तो कहीं कहीं भक्ति मार्ग में मंदिर जाने वाली नहीं थी, तूने क्या विशेषता देखी जो अपना बनाया। थैंक यू बाबा, थैंक्स बाबा, शुक्रिया।